वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आज का मैं वीडियो एक मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बना रहा हूँ, जो कि है गोल सेटिंग इन लाइफ। तो गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेटिंग का मतलब है हमारा लक्ष्य। हम आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं और कैसे हम सक्सेस को और हमारा एम को हम सक्सेसफुल करेंगे। तो गोल सेटिंग क्या है, यह सवाल सभी का मन में होता है कि गोल सेटिंग कि हमारा एम क्या है। और अगर हम देखेंगे इस दुनिया में तो कई लोग इस मामले में फंस जाते हैं। उनके मन में जो होता है बनने के लिए वो नहीं बन पाते हैं और दूसरों की बात में आकर उनके बात मानकर वो लाइन ले लेते हैं जो कि उनको कभी आता ही नहीं है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ आप सभी के साथ, और यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग क्या होता है? हमारा एम होता है कि हम आगे जाकर क्या करेंगे। तो पहला चीज हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आगे जाकर क्या करना है। और जब हमारा 10th कंप्लीट हो जाता है तो हम एक ही हमारे दिमाग में माइंड सेटअप कर देते हैं कि हमें आगे जाकर ये बनना है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब आप मुंबई, मतलब आपने प्लान किया हम मुंबई जाएंगे, तो आपका डेस्टिनेशन गोल पॉइंट क्या हुआ? मुंबई हुआ। तो आप बस में से जा सकते हो, ट्रेन में से जा सकते हो और फ्लाइट में से जा सकते हो, जो आपको सुइटेबल लगेगा आप उसी में से जा सकते हो। अगर आपको अपना डेस्टिनेशन पता नहीं होगा तो आप कैसे जाओगे? मतलब जैसे कि मुंबई आपका डेस्टिनेशन पॉइंट हुआ तो आपको वो चीज़ आपको मालूम नहीं होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट आपको पता नहीं होगा, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? ना बस में से जा सकते हो, ना ट्रेन, ना फ्लाइट, किसी में से आप नहीं जा सकते हो। तो गोल और एम का हमारा जीवन और हमारे लाइफ में ये है, अगर हम एक भी एम नहीं रखेंगे हमारे लाइफ में तो हमें क्या पता होगा, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट ही नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ, कुछ तो एम भी नहीं है ना। तो आप जब 10th आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका माइंड में एक ही गोल रखी है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है और वो आपका मेन डेस्टिनेशन होगा, तभी जाकर आप अपना एम तक पहुँच सकते हैं। पहला एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। जब आप पढ़ते हो तो आपका फ्रेंड्स लोग बोलेंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पुलिस बनना है। तो आप वो फोर्स करेंगे कि यार तुम मेरे साथ ज्वाइन कर ले, हम यहीं पर जाकर पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, पुलिस बनेंगे, ये वगैरह वगैरह। तो आप कभी भी उनको या उनकी बात को मत सुनो, आपके माइंड में जो है आप वही बनने के लिए कोशिश करो। आपको जो भी जितना बोलेंगे फोर्स करेंगे कभी मत सुनो। अगर आप आपके द्वारा चीज नहीं होगा तो आप बाद में जाकर खुद को कोसोगे कि मैं ये लाइन क्यों लिया, क्यों लिया। तो तभी आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ना आप पीछे जा सकते हो ना आगे बढ़ पाओगे। तुम वो काम को आप कभी भी ढंग से, अच्छी तरीके से और फुल सेटिस्फेक्शन से आप नहीं कर पाओगे। और दूसरा चीज हुआ कि मुझे क्या पसंद है, तो आपको जो पसंद है कृपया आप वही बनने की कोशिश करो। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनो, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनो। आपके माइंड में पूरा एक ही डेस्टिनेशन पॉइंट आप सेट कर दो, पीछे कभी मत देखना, आगे बढ़ते रहो, जो भी पसंद है वही काम आप करते रहो। तीसरा है आपके परिवार में, आपको आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं क्या आपके वो साथ देंगे या नहीं, उनसे जाकर कृपया एक बार बात कर देना है। क्योंकि बहुतों की फैमिली मेंबर्स बोलते तू यही बनेगा क्योंकि शर्मा जी का बेटा टॉप किया है तो तुझे भी यही बनना है, कभी मत करना ये सब। और अपने परिवार के साथ मिलकर उनको समझाइए
कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये कभी नहीं करना है, क्योंकि मेरे मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो कभी आप वही गलती मत करना जो कि दूसरे लोग करते हैं। और सभी पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके लड़के या लड़की को जो भी बनने का इच्छा है, कृपया उनको वही शिक्षा प्रदान कीजिए, वही पढ़ाइए, दूसरों की बात में कभी मत आइए, क्योंकि आपका बेटा या बेटी आपके लिए हीरो है, वो आपका नाम रोशन करेंगे। थोड़ी ना वो लोग आकर आपके नाम रोशन कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है कि बाहर जब आप पास आउट होते हो तो बहुत लोग आपको आकर बोलेंगे कि बेटा तुझे ये बनना है, वो बनना है। कभी किसी के बात में आप आकर ऐसा डिसीजन आपके लाइफ के साथ कभी मत लेना, क्योंकि लाइफ सभी को एक ही मौका देता है और उसको हमको नहीं हराना है। तो आप अपने परिवार लोगों के साथ मिलकर अपना गोल सेटिंग सेटअप कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो कृपया अपने लाइफ लाइफ का डिसीजन कभी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि बाद में जाकर आपको महंगा भी पड़ सकता है ना। तो मेरा मोटिव था कि आपको जो भी बनना है वही बनिए, किसी के बाद में मत आइए और वो गलती मत करना जो कि आपका दोस्त लोग करते हैं। बहुत से दोस्त आपका करते होंगे, जब स्कूल में आप जाओगे आपका दोस्त आपके पास बैठा होगा कि यार तू मेरे साथ यही पढ़ेगा, हम मिलकर पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और हमारा ये होगा। तो ये गलती मत करना है, आपको जो भी आपको पसंद है आप वही करना है, क्योंकि गोल सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, क्योंकि वो हमारा कैरियर है, इसके लिए हम मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। और आपको सभी को पता होगा कि सवार का फल मीठा होता है। तो कृपया मेरा बात को ध्यान दो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर और कमेंट कर देना है। अगर आपको और भी वीडियो जानना है और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि हम मैं बहुत मेहनत करता हूँ। पता नहीं आपको क्या लग रहा होगा, आपको अगर मेरे वीडियो अच्छी भी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर लो, कोई बात नहीं। अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते हो तो मत करो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे वीडियो का लाइक कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।